सब्सक्राइब करें टेक्निकल झांझी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अनूप कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल झाजी पे। दोस्तों, आज मैं आपको ब्लेंडर का एक ऐसे एड ऑन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको यूज करके आप अपने ब्लेंडर से कोई भी ह्यूमन करेक्टर बना सकते हैं। यस, ये सही है कि आप अभी तक कार्टून्स बना रहे थे, बट आप एक ह्यूमन करेक्टर, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, कुछ भी, बूढ़ा हो, जवान हो, आप अपने ब्लेंडर से यूज करके उसको बना के और आपको उसको एनिमेट करके आप जैसा मर्जी वैसा आप यू नो वीडियो बना सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए इसके बारे में जान लेते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर का नाम है मेक ह्यूमन। मेक ह्यूमन एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके आप जो है ब्लेंडर में इंसानों का कैरेक्टर बना सकते हैं। ये आपको मेक ह्यूमन की वेबसाइट से मिल जाएगा, makehuman.org। आप ये लिंक जो है क्लिक करेंगे तो ये आपको ये इंटरफेस मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसके देखिए ऐसे कैरेक्टर्स बनते हैं इसके। अच्छा, अब इसके बाद इसमें डाउनलोड्स में जाइए। डाउनलोड्स में जब जाएंगे तो डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे डाउनलोड मेक ह्यूमन पे क्लिक करेंगे। ये 1.1.1 है इसका वर्जन। इस पर आप यहाँ जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको तो विंडो के लिए मिलेगा ये विंडो। विंडो में जिप पैकेज है, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा जिप आपके डाउनलोड फोल्डर में। उसके बाद उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी जो सेटअप है उसे आप चला दीजिएगा। ठीक है, ये है मेक ह्यूमन .exe सेटअप, इसे आपको रन करना है। रन होने के बाद ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ये देखिए, ये खुल जाएगा ऐसे। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर ऐसे ही खुलता है, इसमें ये एक आदमी का कैरेक्टर बना रहता है। अब इसके बाद आप इसको जैसा मर्जी वैसा शेप दे सकते हैं। आप जेंडर चेंज कर सकते हैं, लड़की बना सकते हैं, लड़का बना सकते हैं, बच्चा, बड़ा। थोड़ा मैं इसमें कपड़े पहना देता हूँ कि अगर मैं इसमें अगर मटेरियल पे जाएंगे आप मटेरियल पे जाके नहीं सॉरी क्लोज पे जाएंगे ज्योमेट्री में क्लोज पे आप पहले इसको एक कपड़ा पहना दीजिए। मान लीजिए मैं एक आदमी का कपड़ा पहना देता हूँ इसको कोई, ठीक है, ताकि कुछ गलत ना दिखे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मॉडल पे जाइए। अब इसमें जेंडर चेंज करेंगे आप इधर तो ये लड़की की तरह से हो जाएगा। ठीक है, आपको उसके बाद एज बच्चा बन गया, ठीक है, बूढ़ा बन गया। इसी तरीके से अगर आप चाहिए तो ये बच्ची भी बन जाएगी। उसके बाद इसका मसल, इसकी वेट, मोटा पतला जैसा मर्जी, ठीक है, इसकी हाइट आपको कैसी चाहिए, मतलब लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, एशियन, अफ्रीकन, ये सब। उसके बाद जेंडर में आपको जेंडर में अगर जैसा जेंडर चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसका जेनिटल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मेल है तो अलग जेनिटल, फीमेल है तो अलग जेनिटल। उसके बाद फेस आपको थोड़ा सा भारी फेस चाहिए इसका, हल्का फेस चाहिए, जैसा चाहिए आप इसके बेस पे इसका कर सकते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, आर्म्स हैं, रेंडरिंग भी कर सकते हैं आप। इसको ज्योमेट्री पे जाके आप इसके कपड़े, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, इसको हैट पहना सकते हैं। इसके बाद आप इसको फीमेल अगर कपड़ा पहनाना है तो वो पहना दीजिए, तो ये फीमेल का हो जाएगा। ठीक है, जैसा मर्जी आप इसको चाहिए आपको मिल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओपन सोर्स है ब्लेंडर की तरह ही। मटेरियल में जाने के बाद आपको अगर आपको कुछ अलग सा चाहिए, जैसे कि मुझे लाइक यंग एशियन फीमेल का देना है तो वो बन जाएगी। ठीक है, ये है। उसके अलावा ये पोज पोस्चर, इसमें आप जैसे हम रिगिंग करते थे उसमें ब्लेंडर में, वैसे इसमें भी रिग करने के लिए है। तो सबसे आसान होता है गेम इंजन, इसे आप रिग करेंगे तो ये सबसे बढ़िया होता है। सेव करेंगे तो हम गेम इंजन करके ही सेव करेंगे। ठीक है, रेंडरिंग का बता दिया आपको, सेटिंग्स हैं इसमें। सेटिंग्स में कुछ है जैसे कि बैकग्राउंड में इसकी आपको इमेज चाहिए। ठीक है, सेटिंग में बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में जाइए और अपने इमेज वगैरह जो भी है जैसे मैंने सेट किया है तो कुछ भी आप चाहिए, माउस का कह सकते हैं। तो ये सब है इसका सॉफ्टवेयर का। तो उसके अलावा इसकी व्यूज देखनी है आपको, अगर जैसे फ्रंट व्यू हो गया, बैक व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया, ठीक है, ये इसके व्यूज हैं। तो इससे आपको मतलब सारे व्यूज दिखेंगे। और भी चीजें हैं, इन सबके भी यूजर हैं, पोज है, ठीक है। तो ये इसको यूज करके हम जो है बनाएंगे। अब इसमें जैसे मैंने वो नहीं डाला था ना, आईज हो गया, जैसे आईज के बारे में आपको करना, हेयर्स। अब मैं चाहता हूँ इसका हेयर दूं सर, आप जैसे ऐसा हेयर चाहिए आपको, जैसा मर्जी वैसा हेयर चाहिए। तो देखिए कैसा हेयर चाहिए, जैसे तो आप जैसा मर्जी चाहिए तो ले सकते हैं। टीथ है, कैसा चाहिए दांत, कैसा क्या, वो तो दिखेगा नहीं क्लियर,
जब बोलेगा तभी दिखेगा। तो ये सब है इसकी। इसके बाद मैं अगले वीडियो में दोस्तों बताऊंगा आपको किसे सेव कैसे करते हैं, सेव मतलब इसको ब्लेंडर फाइल में कैसे करते हैं सेव। तो आप सेव बटन पे दबाएंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, आपको पास देगी, इसको मेक ह्यूमन के ही फाइल में सेव हो जाएगा। उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे ब्लेंडर में, उसे ब्लेंडर में चलाएंगे कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस जो है जो भी नई वीडियोस हैं उनकी तभी मिलेगी आप जब आप बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी आपको कुछ जानना हो मेक ह्यूमन के बारे में, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस पे कोई अच्छा सा ट्यूटोरियल दूं तो मैं भी आपको दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सपोर्ट करके उसमें ब्लेंडर में कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा। तो फिलहाल देखते रहिए मेरा चैनल और मेरे सारे वीडियोस, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।